देखिए आज समा बन गया है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और दमदार एक्सपर्ट्स देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजय केडिया साहब को आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने आमंत्रण दिया। और केडिया साहब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज हमें आपकी, आप बहुत लोगों के प्रिय हैं और वो सब हमें लिख रहे हैं कि आपने आज सीएनबीसी आवाज पर आकर सीएनबीसी आवाज पर जो बात करी वो बहुत ही बढ़िया करी। तो शुक्रिया एक बार फिर से आने के लिए और गाइडेंस हमारे दर्शकों को देने के लिए। कुछ और बढ़िया बातें बताइए शेयर बाजार के बारे में जो हमारे दर्शकों को फॉलो करनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस से ताकि वो फायदा कमा सकें। देखिए मेरा तो सबको यही सलाह रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो शेयर बाज़ार में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये नहीं यहाँ पे क्या वो हम लोग बचपन में पढ़े ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। जी शेयर बाज़ार की स्टोरी ये है, अगर आप इसको 10 साल 15 साल का व्यू रखते हैं तो आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एक साल का व्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आने का है। तो पहले तो वो अपने दिमाग से हटा दे कि मेरे को जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का है। दो साल में वॉरेन बुफे नहीं बनना चाहिए। हाँ वो नहीं बन सकते सर। सही है ये। उसके लिए टाइम लगता है 15 साल 20 साल कोई भी आप करियर है लाइफ में कोई भी आप करियर चुने तो इसको आप एक करियर जैसे चुने आप इसको। इसको जुआ का सट्टा बाजार अगर नहीं चुने उसको। मेरा एक कोट है कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन, इफ यू थिंक इट्स ए गैम्बलिंग डे देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। सही है। तो अगर जुए का अड्डा समझेंगे तो जुआ प्रूफ होगा। और तो मेरे को एक तो ये लगता है, दूसरा लगता है कि ट्रेडिंग से बच के रहें, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 10 साल 15 साल की अपनी कमाई एक महीने में दो महीने में तीन महीने में सट्टे में उड़ा दी जिन्होंने। सही है। ट्रेडिंग करके फ्यूचर ऑप्शन, मेरा ट्रेडिंग से मतलब है मेनली फ्यूचर ऑप्शन। सही है। उस पर जरूर ध्यान रखें क्योंकि वो एकदम जैसे आपको आइडिया है नहीं और आप प्लेन चला रहे हैं तो वो प्लेन भी जाएगा, आप भी जाएंगे, लोगों को साथ में मारेगा, अपनी फैमिली को भी आप बर्बाद करोगे उसके साथ। बिल्कुल सही है। तो उनको समझें, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 1% से भी कम है। उसके लिए अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए 10-15 साल का शेयर बाजार के अंदर में और आप अपने पोर्टफोलियो का अगर 1% 2% अगर आप ट्रेडिंग में करते हैं एक्सपीरियंस के लिए ट्राई करने के लिए तब तक तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग पर निर्भर रह के अगर आप शेयर बाजार में सक्सेस करना हासिल करना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जो आप इरकॉन के बारे में कह रहे थे ये तो आपकी बेसिक फिलॉसफी हुई। जब आप स्टॉक्स चुनते हैं क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरीके के यूनिक स्टॉक्स चुने हैं और ये सब मल्टी बैगर साबित हुए हैं तो उसके पीछे आप बेसिक तीन चार चीजें क्या देखते हैं जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते होंगे, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा समझना। देखिए क्या है कि लोग तो मार्केट में हर तरह के फॉर्मूले कभी न कभी आते हैं। एक ज़माने में हम लोगों ने जब चालू किया तो खाली ईपीएस के बारे में बात होती थी, फिर लोग टॉप लाइन के बारे में बात करने लगे। अब आरओसी आरओई कई तरीके के फॉर्मूले मार्केट के अंदर में हैं। मैं जो मेरा स्माइल का जो फॉर्मूला है जो लास्ट का जो दो फॉर्मूला है कि एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल जो है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, तो मैं क्या सोचता हूँ सर, मैं समुंदर में मछली पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, मैं पोंड के क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ता हूँ। सही है। ठीक है ना, क्योंकि पोंड का अगर क्रोकोडाइल है तो वो मारा जाएगा कभी, उसके लिए लिमिटेड फील्ड है बढ़ने के लिए जी। तो मेरे को ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जिसका मार्केट पोटेंशियल इतना बड़ा हो और वो उसका 1% 2% या 5% हिस्सा हो जी, लेकिन उसके साथ में 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो और पेट में हंगर हो मैनेजमेंट को कि हाँ मैं रीजनल से नेशनल बनूंगा, नेशनल से इंटरनेशनल बनूंगा, ये हंगर उसके अंदर में होनी चाहिए। स्मॉल कैप जो लार्ज कैप्स बन सकते हैं, स्मॉल कैप तो लार्ज कैप बन सकते हैं या मिड कैप बन सकते हैं, वो जो ट्रांजिट का जो पीरियड होता है ना उसमें शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें शेयर्स 20 गुना 50 गुना 100 गुना उसमें होते हैं। तो मैं चेष्टा ऐसा करता हूं कि ऐसे शेयरों को मैं ढूंढूं। सारे शेयर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो डूब भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन ठीक है 4 में अगर 1 भी अगर आपको एक ऐसा अगर मिल जाता है अगर है तो ठीक है, आपके लिए करियर के लिए आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। ठीक है, श्रीकांत जी को भी एक कुछ बात करनी थी। श्रीकांत जी बताइए। देखिए एमएन जी कैसा है ना कि मार्केट में रहने के बाद हम सभी लोग है ना स्ट्रेस हैंडलर हो जाते हैं जी हाँ। तो जैसे इन्होंने भी बताया कि बेचैनी सबको होती है लेकिन हम उसे आराम के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो एक अच्छी बात जानने को मिली। बट साथ ही साथ मैं ये पूछूंगा कि हम मार्केट वाले जितने भी हैं इन सभी में एक बात हमेशा होती है कि मार्केट के अलावा और भी कुछ हॉबीज होती है बट जिसे हम हमेशा दबा के रखते हैं क्योंकि मार्केट में इतना वक्त देना पड़ता है या तो मार्केट में हम इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें वो रियलाइज होता नहीं है। सही बात है। मे बी ओवर द पीरियड जैसे भी इन्होंने गेन किया है एक्सपीरियंस वैसे हो सकता है। तो आपको एक कब रियलाइज हुआ कि आप में भी एक वो बात है कि आप गाने लिख सकते हो, गाने का, योगा का, बाकी हॉबीज को आपने कब एंजॉय करना? 30 साल के बाद 40 साल के बाद एज के 30 साल 40 साल 50 साल
तो उसमें ऐसा है सर, मेरा क्या गाने तो मैं बचपन से गाता हूँ जी, तो वो बाथरूम सिंगर था, अभी बाथरूम से ड्राइंग रूम सिंगर हो गया समझ लीजिए, कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है, लेकिन वो मेरा बचपन से वो शौक है कि हाँ वो गाने में गाते रहता हूँ। तो इस बोलकर मेरे को मालूम है कि मैं अच्छा गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं पैशनेटली गाता हूँ, मैं जो भी गाना गाते हैं सर, तो वो थोड़ा पैशन से गाता हूँ मैं, तो गाने का शौक तो तब से ही है। योगा भी मैंने बताया बचपन में किया था और उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं कोई ना कोई फिटनेस की जरूर मैं करता हूँ। बीच में स्क्वॉश खेलता था, फिर बैडमिंटन खेलता था, जिम भी जाता हूँ, अभी भी जिम जाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। ज्यादा जिम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को अक्षय कुमार को कॉम्पिटिशन नहीं देने का, फिर तो मेरे को फिट रहने के लिए तो मैं वो करता हूँ, तो वही मेरा शौक है समझियो। सर मजा आ गया आज आपसे बात करके, मुलाकात करके, ऐसे ही अब हम लोग बात आपका सिलसिला यहाँ से और बढ़ाएंगे और अगला गाना जो है वो आपका सीएनबीसी आवाज पर ही हम दरअसल दिखाएंगे जब आप बनाएंगे। कब तक हो जाएगा सर नया गाना, किसी पे काम कर रहे हैं आप? नहीं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचते रहता हूँ, महीना दो महीना अचानक कुछ आइडिया नहीं आता है, अचानक एक दिन आइडिया आती है और दो दिन में गाना, या दो घंटे में हो सकता है, छह घंटे में गाना तैयार हो जाता है। विल बी इन टच सर, आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने भी मेरे को मैसेज भेजे हैं कि बहुत बढ़िया लगा आप आज दरअसल लकेडिया साहब यहाँ पर आए, धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए और सुबह सुबह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। चलिए चलते हैं पहला सौदा की तरफ, मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पूरी, हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे गौरांग शाह साहब, श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बता दें वो कौन